हम जो एसपी साहब खन्ना जी के दिशा निर्देश है, जिस तरह के बहुत सारिया एन जी ओ है उन्होंने असं जो रिफ्लैक्टर लगा रहे हैं, जिस तरह तुम देख रहे धुंदा के दिन है रेहड़े आ ट्रॉलिया जिन्होंने आप रिफ्लैक्टर लगाए आ और ज होर कोई टिप्पर आ कैंटर आ ट्रक है और इन्होंने सारे पर रिफ्लैक्टर होने बहुत जरूरी है। जिस तरह के हादसा होंगे तो रात में ट्रक खराब हो गया या ट्राली है वो बहुत घट स्पीड में जा रही है और जो कार अपने कोई होर व्हीकल है वो तेज रफ्तार जा रहा सामने जो रिफ्लैक्टर नहीं लगे ट्राली नहीं दिखती। इस तरह के बहुत सारे हादसे ये रिफ्लैक्टर के नाल चलते हैं। सो मैं अपील करदा जिस तरह के सानू रिफ्लैक्टर अपने पिंड पद्धर से जो कोई रेहड़े आ जा ट्रालिया सरपंच जा होर एन जी ओ सामने आके सारे रिफ्लैक्टर होने बहुत जरूरी है और इस दे नाल खास करके जिस तरह के आज धुंदा के दिनों शहीदी जोड़ मेल श्री फतेहगढ़ साहब और संगत को मैं अपील करदा कि रात के समय वो ना चलन दिन के समय ही वो संगत जी है आवे। रात के समय जिस तरह के चलते धुंदा के दिन उसके नाल भी हादसे होंगे आ रात को जिते भी कितने नेड़े जे दूरों चल के संगत आती है किसी भी पिंड के नेड़े मतलब वो आ के ग्राउंड जा कि ठहर सकते हैं। जिस तरह दिन धुंद हटती है फिर ही चलना चाहिए। तो मैं सारिआं नूं अपील करदा कि असी वध तों वध रिफ्लैक्टर लाइए और एक्सीडेंटां ते काबू पएगा और लोगों की जान बचेगी। गड्डियां खड़ा के लगाए जाते चार्जिंग लाए जाते नहीं कुछ इस तरह की जी कोई लोग सेवा करना चाहते हैं और कोई मामूली जे पैसे लगा के जो कोई लगाना चाहता वह भी कोई एन जी ओ इस तरह की है जो पैसे लैके नहीं जाती और मैं तो यही अपील करता कि आप होर बड़े बड़े जो दान करते हैं और ये भी जीडिया एन जी ओ है जो पिंड पद्धर से वक्त वक्त जो सामने रिफ्लैक्टर लगाने चाहिए जिस के नाल लोगों की जान बच सके।